नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ कर रही है वो सब आपके सामने है ही। इस मुद्दे पर कुछ कहने सुनने की अब ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है। बिना कोई मामला दर्ज किए किसी शख्स से 3 दिन तक लगातार पूछताछ तो बनाना रिपब्लिक के देशों में भी नहीं होता है, लेकिन मोदी जी के राज में ये सब कुछ हो रहा है। जिस ईडी ने राहुल गांधी के खिलाफ खुद केस बंद कर दिया था, उनको क्लीन चिट दे दी थी, वही ईडी अभी सरकार के इशारे पर सक्रिय हो उठी है और श्री राहुल गांधी की छवि धूमिल करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो कर रही है। अभी मैं इस मुद्दे पर आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। मेरे मन में इस वक्त एक ख्याल दूसरा आ रहा है। सवाल उठा है कि क्या भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। यह सवाल मैं पिछले कुछ सालों के ईडी के कार्रवाई को देखते हुए पूछ रहा हूं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन आया है तब से ईडी ईमानदार नेताओं के दमन का जरिया बन गया है। सरकार ईडी के जरिए चुन चुन कर अपने विरोधियों का दमन करने की कोशिश कर रही है। आप भी गौर से देखिए इस मोदी राज में ईडी की कार्रवाई को। शुरुआत करते हैं कांग्रेस नेताओं के उत्पीड़न से। ईडी के सबसे बड़े शिकार श्री राहुल गांधी हैं। एक फर्जी मामले में उनके साथ साथ जिस तरह से उनको लांछित किया जा रहा है वो देश के सामने है, सबके सामने है। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के भाई पर सीबीआई की जो रेड है वो। बकौल श्री पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। जून 13 श्री अशोक गहलोत जी ने एजेंसियों के प्रमुखों से उनका राजधर्म याद दिलाने के लिए मिलने का समय मांगा। जून 15 सीबीआई द्वारा गहलोत जी के भाई पर केस। जून 17 सीबीआई द्वारा उनके भाई पर रेड। आगे वो लिखते हैं, मोदी जी के पिंजरे में तोता है, कौवा है और हाँ मोर तो है ही। आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के दिवंगत नेता स्वर्गीय अहमद पटेल को स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड से जुड़े एक मामले में ईडी ने निशाने पर लिया था। देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम को इसी ईडी की वजह से महीनों न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था। चिदंबरम साहब के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन फर्जी मामले में फंसा कर ईडी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने यही काम कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष श्री डीके शिवकुमार के खिलाफ किया। उन्हें भी ईडी की अवैध कार्रवाई की वजह से न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जब पंजाब के सीएम बने थे उसी वक्त चुनाव के दौरान ईडी उनके पीछे पड़ गई थी और कांग्रेस ने कहा था ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट। उनसे पूछताछ से मन नहीं भरा तो उनके भतीजे भूपेंद्र सिंह चन्नी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। किसी भी मामले में ईडी के साफ पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन उसने बस आरोपों के दम पर इन कांग्रेस के नेताओं का उत्पीड़न किया। बीजेपी विरोधी दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी ईडी का रवैया कुछ ऐसा ही रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पाटनकर के खिलाफ अभी ईडी की जांच चल रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर भी ईडी ने रडार रखा हुआ है। उनके खिलाफ भी ईडी अलग अलग आरोपों की जांच कर रही है। कितने पुख्ता हैं वक्त बताएगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की कई संपत्तियों को तो ईडी ने कुर्की कर जब्त कर ली है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ भी ईडी मेहरबान है। उनके खिलाफ पात्रा मामले में एक मामला दर्ज किया हुआ है। शिवसेना के एक और नेता अनिल परब भी ईडी के निशाने पर है। उन्हें कथित एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है, एनसीपी की मिलीजुली सरकार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ तो ईडी खास तौर पर मेहरबान है। अभी ईडी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह बीजू जनता दल पर दबाव बनाने के लिए बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनम नाइक के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रहा है। ये है ईडी की कार्रवाई। दक्षिण भारत के बीजेपी विरोधी नेता भी ईडी के निशाने पर हैं। केरल के कथित एक मामले में, गोल्ड स्कैम मामले में,
सीएन पिनाराई विजयन से लेकर लेफ्ट के कई नेता और सरकारी अधिकारी ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। और इसी तरह जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में के एक मामले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी ईडी के रडार पर है। खास बात यह है कि ईडी एक भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की या उसकी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ नहीं हो रही है, सारी कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ, मकसद उन पर दबाव बनाना, उनकी छवि को धूमिल करना। अगर कोई विपक्षी नेता पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो फिर ईडी उनके खिलाफ चल रहे केस को बंद करने या फिर उनको क्लीन चिट देने में जरा भी देर नहीं करती है। आप समझ रहे हैं मैं इशारा किधर कर रहा हूँ। लेकिन जो विपक्षी नेता बीजेपी के खिलाफ मुखर है उनके खिलाफ ईडी हर हद पार करके गैर कानूनी कार्रवाई भी करने से बाज नहीं आ रही है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि क्या भारतीय लोकतंत्र की सूरत और सीरत को बचाने के लिए ईडी जैसी सरकारी तोते को बंद कर देना चाहिए? दोस्तों इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मसला केवल आज के हिंदुस्तान का नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी है। आपके जवाब के इंतजार में मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह, नमस्कार।